Okay, here the model for male. Okay, you will find that may have been used in two different ways. The first, this is the first use. It means after the subject we can use may, and there are some more ways where may is used in the beginning. For example, may, I, verb, and object. This is the second way of using may. So we are going to learn the different use of may. The first one is that by using may we are going to seek permission, anumati mangna. If you are going to seek permission, then you are going to use may in the sentence. So may I verb and object we are using. Examples are, may I use your pencil, or may I come in so, or may I so, okay, may I show a picture. Okay, so we find that these are the different uses of may in the sentence. Okay, different uses of may and all this, but you know that may have been used in the beginning of the sentence, so it conveys the sense that is permission, anumati mangna. ठीक है, सो जनरली अनुमति हम लोग आई का ही यूज करके मांगते हैं, तो इसलिए हमने इसमें मे आई का यूज किया. ठीक है, मे का दूसरा यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एक तरह का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा हम लोग यूज कर रहे हैं वो होता है रिक्वेस्ट का और दूसरा फिर यूज हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो दूसरा हम लोग यूज सीख रहे हैं, दैट इज रिक्वेस्ट. यूज ऑफ मे इन द सेम वे, इन द सेम फॉर्मेट. सो द सेकेंड यूज इज द मे अगेन विल बी यूज्ड हियर इन द बिगिनिंग, एंड सो इट विल मेक अ रिक्वेस्ट. ये अनुमति मांगेगा, नहीं सॉरी अनुरोध करेगा. जैसे आप कहीं जाते हो और सब बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप कहते हो, ठीक है, या आप किसी के यहाँ गए और आप बोलते हो may I have some water, मतलब वो प्यास लग गई, तो आप क्या करोगे, अनुरोध करोगे इस चीज का, पानी का. तो एट दैट प्लेस यू कैन यूज मे. तो may I have some water. ओके, उसी तरह के बहुत सारे रिक्वेस्ट हो जाएंगे. May I make a call. नहीं, हम किसी को फोन करना चाहते हैं और मेरे पास यदि मोबाइल डिस्चार्ज हो गई है, बैटरी काम नहीं कर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि may I make a call, यानी कि हम उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं एक कॉल करना चाहता हूं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए हम सेम फॉर्मेट का यूज करते हैं, और एक और है जिसमें भी हम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, वो होगा विश और डिजायर. नहीं, हमारे पास यदि कोई विश और डिजायर है, नहीं हमारी कोई इच्छा है, ठीक है, हमारा कुछ विश है, तो उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं, अब आई नहीं यूज करेंगे, अब यहां पर यूज करेंगे May God bless us. ठीक है, या ब्लेस यू सामने वाले को कहोगे, या अपने आप को उसमें शामिल करना चाहते हो तब बोलोगे May God bless us, May God bless you. तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मे, बट ऑल दीज यूजेस हैविंग द सेम काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स. क्या होगा, मे का यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, यहां आई है,
उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर इसमें भी हमने यूज किया है, यहाँ पर भी मे आई यूज हुआ है और इसी स्ट्रक्चर का हमने यहाँ यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, मे के बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट का यूज कर दिया, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली वी फाइंड दैट दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मे। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद द यूज ऑफ मे एंड सो you will find that we have one more but most important use of may, and that use is to describe possibility. If you want to describe possibility of any action or event, then we are using may in our sentence. Okay, how? The structure like this one, subject may and then verb and the object or components. In this way, whatever the sentence we are going to frame, it conveys only one meaning, and the meaning is that possibility. For example, India may become a superpower. India may become a super power by 2025. Okay, let me see. ठीक है, ओके, तो इन दिस वे दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, इट मे रेन टुनाइट। ओके, when we are using this kind of the sentence, it may rain tonight, it is the part of the weather forecast. Okay, you know that weather forecast is assumption, it is not certain, although it is a very scientific one, it is completely based upon the certain complicated calculations, but still probably there is some chances that this incident may not happen. Okay, and in that case, they are using may. So it may rain tonight. Okay, what do you mean by the possibility? Possibility means there is either chance, negative or positive. इसी काम के होने का भी chance है और उसके नहीं होने का भी संभावना है, इसलिए possibility हो। तो India may become, but you will find that may have been used by 2025. It means there is a possibility that India, okay, may become a superpower. Similarly, there is a weather forecast that it may rain tonight. So whenever we have to describe possibility of any action, in that case we are using may in our sentence. Okay, now we come to the past. Okay, so we have another word here, and that another word is might. Another verb is might. Okay, first thing I want to tell you that it is the past of modal may, but it conveys different kind of the meaning. We are going to discuss about what is the next meaning. It describes the future possibility. Okay, so it describes the future possibility. Okay, it describes the future possibility of any action. Okay, it describes the future possibility. They might sell their houses. They might sell their sell their they might sell their houses as they need the money. Their house as they need money. Okay, it means this sentence describes the future possibility.
सो वन मोर यूज इज हियर दैट इज द इट शोज द नेगेटिव वी नेगेटिव वी व्हाट इज दैट नेगेटिव फॉर एग्जांपल ही माइट कम यू जस्ट कंपेयर विद दिस सेंटेंस ही मे कम इफ यू गो थ्रू दिस टू सेंटेंसेस देन यू फाइंड दैट He may come means there is a chance. I mean there is a possibility of coming. But if once you are using might in the sentence, it means you show that there is no chance. But you are not using the negative sentence. At that base, we are using might. And in this way, we find that there is a different usage of the modal verbs. And now in the next class, we will discuss next chapter. Thank you. Hi learners, today we are going to discuss about modal verbs. In our earlier class, we have already discussed about verb and the importance of verb in a sentence. We have discussed that without using a verb, there is no meaning of any sentence, or sometimes you can say it is not a sentence. We have also discussed the kind of verb. One side, there is a principal or the main verb, and the other side, we have already discussed about the modal verbs. Even I have already given you the broader sense of the modal verb with examples. But today, this is the real, real class in the sense that in our examination, they will not ask us the meaning or the rules. They will ask us the question related to the uses of the modal verb. So today we are going to describe each and every use of a particular modal verb. And so let's begin with the first kind of the modal verb. And that first kind of the modal verb is can. So let's start our class with the word can. Yes. So here is our first word is can. Can. And before coming to this point, I want to tell you that what is the setting of the modal verb in our sentence. Okay. And this setting should be used always. Okay. What is the setting? At first, we are going to use subject followed by modal verb, then verb is principal verb, and then object or complement. So, this is the main structure of a particular, this is the main structure while we are going to frame sentence by using modal verb. Is so that after modal verb, it is essential that we must use principal verb in the first form. So let's begin with the can. At first we know that whenever we are using can in our sentence, it shows ability. It shows ability. It means we are able to, we have the ability to do a particular work, particular action, or we have the ability, our subject has the ability to do a particular action. In all those cases, we are going to use can. अर्थात can का जब हम प्रयोग कब करेंगे जब हमें एक स्पीकर की क्षमता एबिलिटी को बताना है या अपने सब्जेक्ट की एबिलिटी को हम बताना है तो उस स्थिति में हम अपने सेंटेंस में कैन का यूज करेंगे और वह यूज होगा
होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, सी कैन राइट एंड रीड। दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है, आई कैन राइट फास्ट। ये भी हो सकता है, यू कैन डांस। सो हियर वी फाइंड दैट बाय यूजिंग कैन इन आवर सेंटेंस, आई यूज दिस वर्ड कैन इन आवर सेंटेंस एंड ड्यू टू दैट द सेंस ऑफ द सेंटेंस हैव बीन चेंज्ड कंप्लीटली। सो द यूज ऑफ द कैन इन माय सेंटेंस, इन दोज सेंटेंसेस, ओके, इट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ आवर सब्जेक्ट। हियर सी कैन राइट एंड रीड, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, प्रोबेबली द प्रोनाउन हैज बीन यूज्ड, देयर मे बी एनी नेम। सेकेंड वन, आई कैन राइट, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई एबिलिटी। यू कैन डांस, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी टू डांस। तो इन दिस वे वी फाइंड दैट कैन इज यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। Second is that there are many uses. The first we are going to use, the another use is, that is request. Okay, you are going to make a request. If someone is in your house and you are going to make a, or you are going to request that person, okay. For example, you reach to your friend and you are going to make a request. Okay. For example, you have some problem in the mathematics and your friend is requesting. Okay, so here is the request. What is that request? Can I help you to solve the sum? Okay, so here we find that by using can, the sense is that it is related to the request. The speaker is, can I help you? It means the speaker is requesting the listener to solve the question of any question or the sum. So here request is also with the help of the can. Next one, if you are going to seek permission, so here our second use is seeking permission. It means हम permission लेते हैं, हम लोग को permission चाहिए, permission मुझे यदि लेना है तो in that case हम लोग can का use कर सकते हैं, जैसे कि कैन आई यूज योर पेन, ठीक है, इट मीन्स यू डोंट हैव पेन एंड सो यू आर सीकिंग परमिशन। ओके, आप तुम परमिशन मांग रहे हो, अनुमति मांग रहे हो कि मैं तुम्हारा पेन यूज करूं, क्योंकि मेरे पास पेन अभी नहीं है, मेरे पास कलम अभी नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, परमिशन मांगने के लिए भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर, नहीं, हम ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं, ऑफर करने का मतलब कि मैं रेडी हूं, मैं फ्री हूं, मैं आपका कोई भी हेल्प करने में रेडी हूं, तो दैट इज ऑफर। ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि कोई इल्डरली पर्सन है, कोई एल्डरली पर्सन है और वो बहुत ही कोई हेवी बर्डन को कैरी कर रहे हैं, तो तुम उनको ऑफर कर सकते हो हेल्प का। और इस तरह से हम ऑफर भी करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कैन आई कैरी योर बैग, ठीक है, हम उनसे कहते हैं कि क्या मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूं। तो इन दिस वे वी फाइंड दैट देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ कैन इन आवर सेंटेंस
एंड बाय यूजिंग कैन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ द आइडियाज. दीज आइडियाज इंक्लूड एबिलिटी क्षमता रिक्वेस्ट अनुमति. रिक्वेस्ट का मतलब परमिशन अनुमति हुआ. रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध. ऑफर का मतलब हेल्प ऑफर करने का. तो इन दिस वे देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ कैन इन आवर सेंटेंस. नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर यूज दैट मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूज ऑफ कुड. यूज ऑफ कुड एंड यू नो दैट कुड इज ऑल्सो वर्डर फॉर द मेन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. ओके इट मीन्स इट इज ओनली द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन एंड once we are coming to the use as a modal form it has different separate uses so we are going to discuss about all these uses. The first use it describes or it shows past ability. Okay it shows past ability it means आप पहले कुछ काम करने में एबल थे. इफ यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब दैट पास्ट एबिलिटी इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज कुड इन आवर सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ टाइम. देयर वॉज अ टाइम. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड वर्क अराउंड द When I could work round the clock. Okay. So what do you mean by the what do you mean by the word round the clock? Round the clock means continuously, always, without being tired. Nahi. So past ability there was a time. So you find that the speaker is talking about his past ability. Why? Because what word has been used here? There was a time when I could work round the clock. So it shows the past ability of the speaker. Shows the past ability of the speaker. Now we are moving to the another use that is the again we can use this one to seek permission. So it is also used seeking permission like can. It means by using could we can seek permission. अनुमति में हम लोग मांग सकते हैं could का use करके. जैसे कि we can use could I borrow your book. Okay, borrow means उधार लेना. नहीं. So could I borrow your book? It means it is a permission. अनुमति मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारी किताबें borrow करूं. Could I borrow your book? At the same time, could it also used? Okay, could it also used? For request. So here another word request. Like earlier we have already used can for request. Similarly could it also used to seek for the request. Could you please help me with this sum? Could you please help me with this sum. Okay, so here it is a request. In this we find that could, if we are going to use could in our sentence, it conveys all these different kind of the senses. These senses are the first past ability,
द सेकेंड सीकिंग परमिशन अनुमति लेना एंड द थर्ड वन इज मेकिंग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना अनुरोध करना एंड सो दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ दिस वन. नाउ वी आर कमिंग टू एन एन ऑब्जेक्ट का यूज करें ठीक है और तब ये बताएगा कि स्पीकर या सब्जेक्ट में वो क्षमता नहीं है. जैसे हम कह सकते हैं कि आई कैन नॉट डांस ओके और सी हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज करें ठीक है कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं सी कांट ओके सी कांट रीड एंड राइट राइट ओके तो हियर वी फाइंड दैट इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब एबिलिटी वी कैन यूज कैन इन आवर सेंटेंस इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब लैक ऑफ एबिलिटी क्षमता का नहीं होना इन दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज कैन नॉट ओके एंड सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कैन नॉट इन दिस वे दीज आर द सब डिफरेंट यूजेस ऑफ द कैन. मूविंग फर्दर आवर नेक्स्ट वर्ड इज गुड. यू नो दैट गुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन इट मीन्स इफ यू वांट टू डिस्क्राइब ओके एबिलिटी इन पास्ट ओके एबिलिटी इन पास्ट इन शॉर्ट यू कैन से पास्ट एबिलिटी. इफ वी वांट टू डिस्क्राइब एबिलिटी इन पास्ट इन दैट कंडीशन एट द प्लेस ऑफ कैन वी आर गोइंग टू यूज गुड इन आवर सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी द सेम सेम स्ट्रक्चर होगा ठीक है सब्जेक्ट गुड वर्ब वन और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स. लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड का यूज हम लोग पास्ट एबिलिटी में बताएंगे यानी सेंटेंस ऐसा फ्रेम करेंगे जो बताएगा कि यह पास्ट का काम बताया रहा है. जैसे कि एक सेंटेंस मैं एग्जांपल देता हूं जैसे एक एग्जांपल है There was a time when I could work round the clock. Okay, round the clock का मतलब हमेशा लगातार. So round the clock. It means continuous. But here our main part is that could. Why could has been used? Because it is talking about the past. There was a time. It means the person is talking about his past ability. And so to express the past ability, we are going to use could at the place of can. And in this way, could is used to express the past ability. But at the same time, it has some other uses also. So we are coming to our next use. So what is the next use? Our next use is seeking permission. Seeking permission. Okay. For seeking permission, a structure is again like the permission. Earlier said there are many sentences. Could, I, verb. Objects or complements like this. Okay. So here, could is, once you find that could is talking about the seeking permission, permission lena hai, anumati lena hai, toh wahan par hum log could ka use karte hain. Arthat, permission lene ke liye humare paas bahut tarah ka tarika. Nahi, hum may ka bhi use kar sakte hain, hum can ka bhi use kar sakte hain, hum could ka bhi use kar sakte hain, toh बहुत तरह के तरीके हैं जिसके जिससे हम परमिशन ले सकते हैं. तो यहां पर सीकिंग परमिशन का एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे
ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कूड आई बोरो, कूड आई बोरो, ओके कूड आई बोरो योर बुक, कूड आई बोरो योर बुक, दिस इज ऑल्सो परमिशन। सिमिलरली इट इज ऑल्सो सेड दैट, ओके इट इज ऑल्सो सेड दैट इवन वी कैन रिक्वेस्ट समवन, सो फॉर रिक्वेस्ट वी कैन यूज कुड इन आवर सेंटेंस, स्ट्रक्चर वुड बी द सेम, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ऊपर ही जैसा होगा, ठीक है, लेकिन केवल सेंस बदल जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कुड यू, ओके कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ, हेल्प मी विथ दिस सम, ओके। तो इन दिस वे हियर वी फाइंड दैट देर आर डाइवर्स यूज ऑफ कुड, ओके एंड मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम्प्टी यूज ऑफ कैन एंड कुड, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्प्टी यूज ऑफ कैन and could. We are going to discuss about this particular thing. But before coming to this one, we are going to discuss about some verbs. Okay, that those are known as the verbs of perception. Verbs of perception. Okay, what do you mean by verbs of perception? There are many verbs which are going to describe the feeling, the perception of the person. Okay, and these verbs are examples are see, hear, smell, feel, etc. Okay. So there are a large number of the verbs which are under the category of verbs of perception. Okay, I have given you the example of a few. This is the verbs of perception. So here the main point is that the modals can and could are both used with, okay, so I am going to write this one, I am going to write the whole state. Okay, I have already discussed about the verbs of perception. Okay, perception verbs, for example, a word is see. If your eyes are open, that without any a problem, without any effort, the action seeing happens. It means it is the part of our sense organs. Okay, it is not like that run. In the run, we have to do something, but in seeing, we have to do nothing. Only the eyes are open, and we can have. Similarly, the hear, the smell, the feel. Okay. Similarly, there are many verbs like this. For example, love. So love is a continuous process. Okay. It means the love itself is a function, a verb which continues. We can't say that I am loving you. Understand? We can't say that I am loving you. It is not possible. I am loving you. This is not possible. Okay, why? Because love itself is a continuous word.
ओके सो ऑल दीज वर्ड्स आर कंटिन्यूअस, ऑल दीज वर्ब्स आर कंटिन्यूअस. ओके सो द वर्ब ऑफ परसेप्शन आर दोज वर्ब्स व्हिच हैव द कंटिन्यूअस सेंस. एंड इफ द वर्ब इज ऑलरेडी हैविंग द कंटिन्यूअस सेंस, हाउ कैन बी कन्वर्ट इट इनटू द कंटिन्यूअस टेंस. अंडरस्टैंड? And so, if I am using I am loving you, it is not the fact, it is incorrect one. So, I think that you got about the verb of perception. यानी एक कुछ ऐसे verb होते हैं जो वो लगातार चालू होते हैं, वो लगातार continue होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर मोमेंट में उसको चालू करें, दूसरे मोमेंट में हम रोक दें. जैसे कि सी, यदि मेरी आंखें खुली है तो ये लगातार काम होती रहेगी जब तक मेरी आंखें खुली है. यदि हम किसी को लव कर रहे हैं तो वो लगातार होता है. ऐसा नहीं कि हम स्कूल में हैं तो लव नहीं कर रहे हैं, घर में गए तो लव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं जिनमें जिनका कंटिन्यूअस टेंस संभव नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से कंटिन्यूअस हैं, इस तरह के वर्ब को हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं. तो आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है. अब हम उस पे आते हैं कि एम्प्टी यूज क्या होता है कैन और कुड का. तो यहां पर शुरू करते हैं द मॉडल्स कैन एंड कुड. ओके कैन एंड कुड both are used with verbs of perception like is I have already given you all these examples. Okay, there are many examples here. All these are examples of the verb of perception. So perception like see, hear, smell, feel, love, where they don't have any special meaning. They don't have any special meaning. Why? What is the reason? Okay, what is the reason they don't have any special meaning? The reason is very simple. Since these verbs cannot take the continuous tense. Why? Because it is already a continuous verb. Hence, the modals are used to indicate an action. It means in that case, at the place of taking a continuous tense, it is better that we are going to use can or could with this kind of the the sentence. Here we never understand that can is talking about the ability or could is talking about the past ability. It only similarly or simply describe that action. For example, examples are here. I can smell a fire. Can has no sense here. Simply I want to say that मुझे एक feeling हुआ, मैंने smell किया आग के होने का. I can hear a noise. मेरी कान खुली हुई है और मैंने एक आवाज सुन लिया. यहाँ पर can का कोई मतलब नहीं है. She could feel her hair standing up. हम बैठे हैं, अचानक उसको फील हुआ कि मेरा हेयर जो है वो खड़ा है, मतलब अच्छा नहीं है. ठीक है, तो वहां पर इस कुड का कोई मतलब नहीं. तो इफ यू फाइंड दैट देर आर मेनी प्लेसेज वेयर देर इज नो द लॉजिक ऑफ यूजिंग कैन और कुड, दैट काइंड ऑफ द यूज इज नोन एज द एम्प्टी यूज ऑफ कैन एंड कुड. एंड इन दिस वे in this class we try to discuss about two set of the modal verbs. Okay, and we will continue in our next class also. Okay.